और आज के दौर में सीसीटीवी कैमरों की जरूरत हर जगह पर होती है, इसलिए तो बिल्डिंग हो, घर हो, ऑफिस हो या फिर स्कूल, सीसीटीवी कैमरे तो लगाए ही जाते हैं। बढ़ता क्राइम रेट इसकी बड़ी वजह है। पुलिस शहरों में बढ़ते अपराध का ग्राफ रोकने के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेती है। सीसीटीवी के इस्तेमाल पर देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में संदिग्ध गतिविधियों, वाहन और असामाजिक तत्वों के लिए सीसीटीवी कैमरे की सहायता भोपाल पुलिस लेती है। पहले भी राजधानी में कई बड़ी लूट की घटनाएं देखी गई थी, लेकिन इसका खुलासा करने में पुलिस को पसीने छूट गए थे। कई बार पुलिस के अलावा अधिकारी खुद खुलासे के समय ये कहते नजर आए कि 400 से 500 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने पर खुलासा हुआ है। बंद कमरे से कैसे महफूज हो पाएगी राजधानी? भोपाल में लगे सीसीटीवी हो चुके हैं पुराने। शहर के विभिन्न स्थानों पर नहीं चालू कैमरे। व्यापारी आखिर क्यों बच रहे हैं सर्विलांस में जुड़ने से? राजधानी है संवेदनशील स्थान, फिर क्यों लापरवाही? 2016 में पुलिस विभाग ने लगवाए थे सीसीटीवी कैमरे। सिटी सर्विलेंस ने लगाए थे 750 सीसीटीवी कैमरे। राजधानी भोपाल में लगे सीसीटीवी कैमरे की अगर बात की जाए तो इसलिए भी आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल अति संवेदनशील शहरों की गिनती में आता है। यहां पर आए दिन वीआईपी मूवमेंट होते रहते हैं। इसके अलावा यहां पर मुख्यमंत्री निवास के साथ साथ राजभवन, विधानसभा सहित कई बड़े शासकीय दफ्तर मौजूद हैं। साथ ही यहां पर आए दिन विपक्षी दलों के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन भी अपना विरोध और सामाजिक कार्यक्रम भी करवाते हैं। बात अगर पहले की जाए तो यहां पर कई प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के लोग भी पकड़े जा चुके हैं। राजधानी भोपाल में पुलिस विभाग के द्वारा लगभग 750 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस वक्त मौजूद है राजधानी भोपाल के एक चौराहे पर, जहां पर जगह जगहों पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो आपको नजर आएंगे। राजधानी भोपाल में अगर सीसीटीवी कैमरों को लेकर बात की जाए तो तमाम प्रकार की चीजें देखने में आ रही है। देखिए, पहले भी राजधानी भोपाल में कई घटनाएं हुई है, उसको लेकर के जो साइबर टीम थी या पुलिस की टीम या क्राइम ब्रांच, ये लगातार जो है इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो अपराधी हैं उन तक पहुंचने का काम करती है। लेकिन जिस प्रकार से कैमरे जो लगाए गए हैं वो काफी लंबा समय हो चुका है, पुराने कैमरे हो चुके हैं, अब इनको कहीं ना कहीं नया करने की जरूरत है। भोपाल में इसलिए भी इसकी महत्ता ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि राजधानी भोपाल जो है वो अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। जो राजधानी भोपाल है उसमें जो पहले की अगर हम बात करें तो पहले भी कई ऐसे आतंकवादी संगठन जो प्रतिबंधित हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उनके भी कुछ लोग यहां पर मिले थे और इनकी गिरफ्तारियां हो तक चुकी हैं। और राजधानी के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें तो राजभवन, विधानसभा, मुख्यमंत्री निवास, शासकीय कर जो कार्यालय हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं, और इसलिए भी इनकी सुरक्षा जो है वो कहीं ना काफी अहम मानी जाती है। और इसको लेकर के भोपाल पुलिस कहीं ना कहीं अभी भी काफी पीछे है, क्योंकि कैमरे खराब हैं और इन कैमरों के बिना जो तीसरी आंख है, उस तीसरी आंख के बिना अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल होता है। राजधानी भोपाल में पुलिस विभाग ने सिटी सर्विलांस के तहत पहले फेज में 750 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन यह कैमरे भी अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। कई इलाकों में इसका हाल बहुत बुरा है। खुद भोपाल पुलिस के अधिकारी भी इसको लेकर कहते नजर आए। एसपी खत्री का कहना है कि 8 साल पहले इन कैमरों को लगाया गया था। कई जगहों पर इसकी स्थिति वाकई खराब है। नई तकनीक का कैमरा के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जो भोपाल में सिटी सर्विलेंस स्कीम फेज वन के तहत कैमरे स्थापित किए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, उनकी संख्या तकरीबन 750 के करीब है और ये 2016 में स्थापित किए गए थे। आज तकरीबन 8 साल होने को आ गए हैं, तो इसमें से अधिकांश कैमरों की लाइफ समाप्त हो चुकी है और इनको अब रिप्लेस करने का समय आ गया है। इसके लिए हमने विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर करके शासन को भेज। अब देखने वाली बात होगी कि राजधानी भोपाल के ये सीसीटीवी कैमरा कब तक बदले जाते हैं या इन्हीं कैमरों के साथ पुलिस काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इंदौर की तर्ज पर भोपाल पुलिस सर्विलांस को अनिवार्य क्यों नहीं कर पा रही है? भोपाल से INS 24/7 के लिए कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ प्रदीप तलरीजा की रिपोर्ट।